नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है बिहारी न्यूज में। आगे बढ़ने से पहले युवाओं के लिए अहम सूचना। हम हर रोज टॉप 5 रोजगार समाचार आपके लिए लेकर आते हैं। इसको सुनने के लिए हमारे नए YouTube चैनल GOVPVT को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे द्वारा जारी किए गए किसी भी अपडेट तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमारे GOVPVT YouTube चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। होली पर घर आने वालों की मुश्किलें बढ़ी। त्योहारों में घर आने वालों की संख्या आमतौर पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, आने जाने के लिए ट्रेनों और बसों के भी विकल्पों में कमी आ जाती है। इस बार भी ऐसा ही कुछ नजारा है, जहां पर ट्रेन और बस की सीटें फुल हो गई हैं। वहीं विमानों का किराया आम दिनों से बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत 6 मार्च से पहले आने वाले यात्रियों को जहां 4,000 रुपए देने पड़ते हैं, वहीं 6 मार्च के बाद किराए में 5,000 की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रशांत किशोर ने अपने बयान पर दी सफाई। प्रशांत किशोर ने हाल ही में अपने बयान के जरिए भाजपा को गोडसे समर्थक बताया था और यह पूछा भी था कि गांधी जी और गोडसे एक साथ कैसे हो सकते हैं, जिसके बाद सियासी गलियारे में विरोध की गूंज सुनाई देने लगी, जिस पर अब उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि मैं पिछले 7-8 महीने से गोडसे की तारीफों के प्रचलन को देखते आ रहा हूं, इसलिए मैंने कहा था कि बापू के विचारों का समर्थन और भाजपा से गठबंधन एक साथ नहीं चल सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों की मदद को प्राथमिकता देने की कही बात। बिहार में किसानों की मदद के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में किसानों की समस्याओं को सुना। साथ ही किसानों ने अलग अलग फसलों के लिए सरकार के सामने अपनी बात भी रखी, जिसके बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों की समस्याओं और सुझावों का हर संभव समाधान निकालने की पूरी कोशिश करने की अपील भी की है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने निकाली बम्पर रिक्तियां। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जनरल मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर पद के लिए लगभग 6,437 पदों के लिए आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS की डिग्री होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 फरवरी तक बिहार तकनीकी सेवा आयोग के आधिकारिक वेबसाइट www.btsc.bis.nic पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। 23 से शुरू होने वाले बेरोजगारी हटाओ यात्रा का शेड्यूल हुआ तय। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा 23 फरवरी से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ शुरू होने वाले बेरोजगारी हटाओ यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, जिसके तहत यह यात्रा सबसे पहले पटना के वेटनरी कॉलेज से शुरू होगी। वहीं खबरों की माने तो तेजस्वी की यह यात्रा विधानमंडल सत्र के शुरू होने से पहले सरकार पर दबाव बनाने को लेकर है। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जल्द होगी शिक्षकों की बहाली। बिहार के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों के लिए खुशखबरी। जल्द ही बिहार के इन कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति करवाई जाएगी, जिसके तहत इन सभी कॉलेजों में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से लगभग 1700 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। पटना में फ्री मॉर्निंग वॉक की सुविधा हुई बंद। राजधानी पटना में सुबह सुबह मुफ्त में सैर करने वाले यात्रियों की बढ़ने वाली है मुसीबतें, जिसके तहत अब पटना वासियों को किसी भी पार्क में वॉक करने के लिए पैसे देने होंगे। आपको बता दें, पटना पार्क प्रबंधक पार्कों के मेंटेनेंस के लिए यह कदम उठाने जा रहा है। विभागों की तरफ से एक प्रस्ताव स्वीकृति के लिए समिति के पास भेज दिया गया है। होली में बिहार आने वालों के लिए ट्रेनों की स्पेशल लिस्ट हुई जारी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे विभाग ने होली के मौके पर स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब होली के दौरान पुणे से लेकर पटना के बीच में स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत ट्रेन संख्या 03253 5 मार्च को सुबह 10 बजे पटना से रवाना होगी, वहीं 03254 शुक्रवार को पुणे से रवाना होगी। सांसदों के बाद अब SSP-SP भी गांव के उत्थान के लिए करेंगे काम। सांसदों द्वारा गांव के उत्थान के लिए काम करने के बाद अब जिले के SP और SSP भी गांव के विकास के लिए काम करेंगे, जिसके लिए SP अपनी इच्छा के किसी एक गांव का चयन करेंगे। 22 फरवरी से शुरू होने वाले बिहार पुलिस सप्ताह के मौके पर गांव का नाम तय करना है। इतना ही नहीं, गांव के स्कूल में SP छात्रों को पढ़ने के साथ साथ खेलकूद के लिए भी प्रेरित करेंगे। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे देवकी नंदन खत्री के बारे में। चंद्रकांता जैसी किताबों के लेखक रह चुके देवकी नंदन खत्री का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। देवकी नंदन खत्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू फारसी में की थी, वहीं बाद में उन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का भी वर्णन किया था, जिसके बाद वो टेकारी स्टेट में काम करने पहुंचे, फिर वहीं से उन्होंने चंद्रकांता की रचना का काम शुरू किया। इतना ही नहीं, चंद्रकांता के अलावा उन्होंने कई और भी उपन्यास का वर्णन किया है। सुशील मोदी ने प्रशांत किशोर के पटना वापसी पर की टिप्पणी। जदयू से निकाले गए प्रशांत किशोर समूचे बिहार में बिहार की बात कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं, जिसके तहत बिहार की सियासत गर्मा गई है, जिस पर अब सुशील मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि बिहार में NDA की वापसी प्रशांत किशोर हजम नहीं कर पाए, इसलिए वो बिहार में दोबारा लालटेन युग को लाने का ठेका ले चुके हैं। बेगूसराय के काबर झील पक्षी अभयारण्य में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। 63.11 वर्ग किलोमीटर में फैले इस झील में आप मछलियों की 30 से ज्यादा प्रजाति, 59 प्रकार के प्रवासी पक्षी और 106 स्थानीय पक्षियों को निहार सकते हैं। 1984 में बिहार सरकार ने पक्षी अभयारण्य का दर्जा प्राप्त यह स्थल बिहार का ही नहीं बल्कि देश का सबसे खूबसूरत प्राकृतिक स्थल वाला है।
बिहार की बात कार्यक्रम की हुई शुरुआत। प्रशांत किशोर के बिहार की बात कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया है। प्रशांत किशोर ने जिसकी शुरुआत 2.5 लाख कार्यकर्ताओं के साथ की है, वहीं आपको बता दें प्रशांत किशोर ने जिस वेबसाइट से अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है वो गुरुवार की सुबह 11 बजे से एक्टिव हो चुका है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने अपने साथ जुड़ने के लिए आधिकारिक वेबसाइट और फोन नंबर भी जारी कर दिया है। सेवानिवृत्त शिक्षक करेंगे अब इंटरमीडिएट छात्रों के कॉपी का आकलन। इंटरमीडिएट छात्रों के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 26 फरवरी से शुरू होने वाला है। वहीं 25 फरवरी से सभी माध्यमिक शिक्षकों के प्रस्तावित सड़कों पर उतरने के ऐलान को देखते हुए मूल्यांकन में किसी भी तरह की कोई कसर ना छूटे, इसके लिए सरकार अब कॉपी जाँच के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों को काम पर लगाने वाली है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर भी शिक्षकों की बहाली की जाएगी। काम से हटाए जाने के खिलाफ हुए शिक्षक, डीईओ कार्यालय किया बंद। एक तो पहले ही सभी नियोजित शिक्षक वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे, अब उनकी मांगों में एक और बिंदु जुड़ गया है जिसके तहत अब सभी शिक्षक काम से हटाए जाने वाले उन दोनों सभी शिक्षकों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को सभी शिक्षक अपनी मांग को लेकर डीईओ कार्यालय के बाहर पहुंचे थे, जहां उन्होंने उसे बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उन सभी ने मांग न माने जाने पर आगे भी यही करने की बात भी कही है। तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री पर कसा तंज। प्रधानमंत्री मोदी की हुनर हाट पर लिट्टी चोखा खाने वाली तस्वीर मीडिया में आते ही विपक्षी दलों की बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। राजद के एक्टिव मोड में चल रहे तेज प्रताप यादव ने भी अपने अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जितना भी लिट्टी चोखा खा ले, मगर उन्होंने बिहार की जनता के साथ क्या किया है वो कोई नहीं भूल सकता। 31 मार्च तक बुधवार को नहीं चलेगी पटना नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति। फरवरी महीना खत्म होने को है, मगर ठंड का असर न आम लोगों के जीवन से गया है, न ट्रेनों के परिचालन के समय शेड्यूल से। तभी तो 29 फरवरी तक परिवर्तित समय के साथ चलने वाली ट्रेनों की समय सीमा को बढ़ाकर अब 31 मार्च तक कर दिया गया है। वहीं 31 मार्च तक बुधवार के दिन पटना नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति बुधवार को नहीं चलाने का निर्देश भी जारी किया गया है। कहने को कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा, मगर अभी भी कर रहे हैं भाजपा का गुणगान। शत्रुघ्न सिन्हा कहने को कांग्रेस का हिस्सा बन गए हैं, मगर मन में अभी भी भाजपा ही है। और यही कारण है कि जहां एक ओर उनकी पार्टी लगातार गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करती है, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्हें मास्टर रणनीतिकार का टैग दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बाबूलाल मरांडी के भाजपा में विलय होने पर भी फैसले को जमकर सराहा है। 22 को भाजपा कार्यालय का होगा उद्घाटन। 22 फरवरी को 11 जिलों के भाजपा कार्यालय का उद्घाटन कर दिया जाएगा, जिसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद बिहार दौरे पर आ रहे हैं। भागलपुर का जिला कार्यालय पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। वहीं उद्घाटन से पहले भाजपा के रोहित पांडे भूमि पूजन करेंगे। इतना ही नहीं, भाजपा कार्यालय के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल और सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। सिवान में हर ओर 42 किलो की मछली की हो रही है चर्चा। बिहार के सिवान जिले में दरौली में सरयू नदी में मछली पकड़ने के दौरान मछुआरों को करीब 42 किलो की मछली हाथ लगी है। मछली के मिलते ही इलाके में लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे हैं। जानकारों की माने तो यह मछली लगभग 16 साल पुरानी है। इतना ही नहीं, मछली तो उठाने के लिए भी कई लोगों को आगे आकर मछुआरों को मदद करनी पड़ी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाला पहला टेस्ट होगा वेलिंगटन में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच की शुरुआत वेलिंगटन से होगी। टेस्ट क्रिकेट में इस मैदान पर भारत का इतिहास कुछ खास नहीं रहा है। भारत और न्यूजीलैंड ने अब तक कुल मिलाकर 7 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से भारत को 1 वहीं न्यूजीलैंड को 4 टेस्ट मैच में जीत मिली है। वहीं आज जहां दोनों टीमें अपने सर पर 1-1 सीरीज के जीत का सहरा सजा चुकी है, वहीं यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जीत की शुरुआत कौन सी टीम करती है। अब चलिए बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। ठंड का असर अब लगभग खत्म हो चुका है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में पूर्व हवा चलने के कारण बादल देखने को मिलेंगे। वहीं ठंड में भी थोड़ा इजाफा हो सकता है, मगर धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिनभर धूप निकलने की संभावना है, मगर हवा के कारण ठंड का असर अभी भी देखने को मिल सकता है। शुरू हुआ भोजपुरी स्टार्स के बीच क्रिकेट का BIPL भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों के बीच क्रिकेट का खेल देखने को मिलने वाला है, जिसकी शुरुआत कल से ही हो चुकी है, जहां पर मनोज तिवारी और रवि किशन से लेकर दीनदयाल यादव यानी कि निरहुआ तक हाथों में बला लेकर मैदान में आमने सामने दिखाई दिए हैं। वहीं आपको बता दें बीते गुरुवार से शुरू हुए इस BIPL का आयोजन लखनऊ के इकाना स्टेडियम में किया गया है, जो कि आगामी 23 फरवरी तक जारी रहेगा।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 20 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 40,364 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 42,364 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 52,100 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 76.59 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 69.28 रुपए प्रति लीटर था। 100 SMS प्रतिदिन भेजने के लिमिट को खत्म करने की ट्राई ने की है मांग। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने टेलीकॉम से संबंधित एक और अहम कदम उठाने का प्रस्ताव जारी किया है, जिसके तहत ट्राई ने यह प्रस्ताव रखा है कि एक सिम पर प्रतिदिन 100 SMS की लिमिट खत्म कर दी जाए और साथ ही 50 पैसे प्रति SMS के प्रावधान को भी खत्म किया जाए। ट्राई का यह कहना है कि 50 पैसे प्रति SMS लेने का मकसद सिर्फ मैसेज शेयरिंग पर रोक लगाना था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा उनमें है रंजीत मेहता, अमरेश चौधरी, सनी यादव, मोहम्मद अशफाक, मनोरंजन कुमार, सोमी कुमारी, घनश्याम कुमार, राकेश रंजन यादव, सोनालाल कुमार, उत्तम कुमार पासवान, सोनम भारती। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले मैच में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है और क्यों? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।